हेलो फ्रेंड्स, जय महाकाल दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम जो बात करेंगे वो है निफ्टी फ्यूचर्स की, या फिर निफ्टी के में ट्रेंड क्या रहेगा। दोस्तों निफ्टी में तो सॉलिड ऐसा ही लग रहा है कि ऊपर की तरफ फटेगा, बट क्या पॉज लगेगा, कंसोलिडेशन होगा या अगेन वापस डाउन हो जाएगा कंसोलिडेशन के बाद, ये जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट यही होगी कि अगर आपको अच्छी लगती है जरा सी भी वीडियो या हमारी मेहनत, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का निशान जरूर दबा दीजिएगा। अगर आप पुराने हैं तो भी आपको घंटे का निशान दबाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता है। साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारी लिंक मिलेगी, जैसे कि टेलीग्राम की लिंक। आप वहां जाकर जो फ्री कॉल्स है, वो भी फ्यूचर्स मार्केट के कॉल होते हैं, जो कि फ्यूचर्स के स्टॉक हम कवर करते हैं, जैसे अरबिंदो हो गया, जैसे आपको बीपीसीएल हो गया, जैसे आपको लिपिन। ये देखिए, आपको लुपिन में आपको 4 रुपए के आसपास, बीपीसीएल में आपको 6 रुपए के आसपास, अरबिंदो में आपको ऑलमोस्ट 7 करीबन 8 रुपए के आसपास, इस तरीके के फ्री प्रॉफिट आपके नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। या भी जैसे हम 2 दिन पहले की, परसों की बात, कल की बात करें तो यस बैंक 235 रुपए का लो था। इसके लॉट साइज से कैलकुलेट करूँ तो भी मुझे मोर देन 3,500 रुपीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम यहाँ पर मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई मार्केट स्टक है या नहीं। हम यहाँ पर नेचुरल गैस, ये देखिए नेचुरल गैस का कॉल, नेचुरल गैस का लॉट साइज है 1,250 रुपए। अगर मैं उसको 1.5 से कैलकुलेट करूँ तो कितना होगा दोस्तों, आप जरा करा के बता दीजिएगा। 1,825 रुपए के आसपास का प्रॉफिट मुझे मिलता है दोस्तों। इस तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, और वीडियो के साथ साथ जो चीजें मिलती है वो तो और भी कुछ है, चाहे हम कहें कैनफिम होम, टाटा स्टील, SRF, एक्साइड इंडस्ट्री, ग्रू फाइनेंस 270, और रेपको होम फाइनेंस। इवन हम कहें टेलीग्राम के बहुत सारे कॉल, जैसे कि TVS का ओपन टारगेट कॉल, बालकृष्ण इंडस्ट्री का ऑप्शन का लेटेस्ट ऑप्शन कॉल, ये सब एक्यूरेसी है बॉस। इसको करने के लिए बहुत सारा डिलीवर करना पड़ता है, मार्केट में पैसा कमाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बट बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अरे भाई ईजी है, बट ईजी कुछ नहीं है। ईजी वो नहीं है जिससे कपड़े धोते हैं और मुलायम सा महसूस होता है, ये वो ईजी है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अभी हमने कॉपर में 453 to 455.45 का हाई मारा। मैंने अभी लेटेस्ट भाव देखा नहीं है, मतलब 2.5 रुपये के आसपास का प्रॉफिट, यानी 2,000 रुपीज पर लॉट मैं कहूँ तो, और अगर छोटे की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 600 से 700 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। चलिए अब हम देख भी लेते हैं कि भाई कॉपर का भाव क्या आ रहा है, तो भाव भी तो देखना पड़ेगा ना। ये देखिए कॉपर ने, डेली चार्ट को छोड़ता हूँ मैं, 15 मिनट के कैंडल पर आता हूँ। ये देखिए ये स्पाइक मारा था, ये 455.65 रुपये, ये ना मेरा तीसरा टारगेट खा के चला गया दोस्तों, मजा आ गया मुझे। तो अगर मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो क्या होता है, काम तभी होगा जब आप जुड़ के काम करना चाहोगे, बाकी अदरवाइज HNI DNI बहुत सारे फलाना ढिमका आपको मिलेंगे, आप उनके साथ भी कर सकते हो। अब देखिए निफ्टी में यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लेके वापस आज के दिन में बाउंस कर दिया इस फ्यूचर ने, और फ्यूचर ने कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई मैं यहाँ से भागूंगा। कहाँ तक भागूंगा मैं आपको अभी भी बताता हूँ, 450 से लेके 474 तक भागने की अभी भी इच्छा रखता है। उसके बाद भले ये नीचे आ जावे या कंसोलिडेशन में चला जाए वो बात अलग है, बट उसके पहले तो ये यहाँ पर लेवल दिखाता है। अब हम बात करेंगे कि इंट्राडे में क्या करूँ, क्योंकि इंट्राडे में काम करने वालों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। और मैंने इसके लिए भी आपको शायद एक वीडियो बना के दी थी, शायद आपने देखा होगा कि हमने उसके अंदर 11,100 तक के भाव की बात करी थी, बट आज तो उससे भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। थोड़े से बर्तन की आवाज़ आ रही है क्योंकि फैमिली वाले कुछ काम कर रहे होंगे, तो सॉरी डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको, बट कुछ नहीं कर सकते, फैमिली भी रिस्पॉन्सिबल है अपने काम के लिए, उन्हें अपना काम करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए बाय करेंगे अगर मुझे तो 11,395 यानी 97 के ऊपर मिले तो मैं बाय करने की कोशिश करूंगा 11,420, 11,450, 11,475 और फिर 11,500 के टारगेट के लिए। मतलब अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो अभी बताया वो अगर इस तरीके से चला तो यहीं पे आ जाएंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा दोस्तों, स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। स्टॉप लॉस मुझे रखना होगा दोस्तों 11,320 रुपए के नीचे, ठीक है। ये हो गया बाय साइड। अगर मैं सेल साइड की बात करूं, सेल करना है मुझे, अगर सेल करना है तो मुझे कहाँ करना है, मुझे सेल करना है 11,360 और 62 के आसपास, ठीक है। टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट इज 11,320, 11,390
11,260, this would be a target, but stop loss kya hoga? Stop loss is a more requirement, ठीक है, तो मुझे stop loss रखना पड़ेगा 11,030 के ऊपर, दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगती है, तो प्लीज मेहरबानी करके लाइक का बटन और साथ में लोगों को शेयर करना ना भूले वीडियो, क्योंकि क्या होता है कि जब तक शेयरिंग और केयरिंग नहीं होगी स्टॉक मार्केट में किसी का भला नहीं हो सकता। आप चाहे कितने भी बड़े विद्वान हो, अगर आपको आता है तो आप अपने तक ही रख सकते हो, बट अगर आप किसी के साथ शेयर करते हो और उसका भला होता है तो पैसा किसी का बनाना बहुत बड़ी बात है, जो कि लोग नहीं करते। लोग अपने भाई भाई को नहीं छोड़ता, तो फ्री में क्या होता है। तो अगर आपको फ्री में हमारे से 2 रुपए की भी इनकम होती है या 2,000 की भी इनकम होती है, हम नहीं मांगते आपसे, बट अब यही कहते हैं कि वीडियो को शेयर की दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि लोगों को, जनता को मिल जाए और उनका भी भला हो जाए और उसमें आप सहयोगी हो, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय महाकाल।